बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत इजी और क्विक रेसिपी के साथ फ़िश का सालन बना रहे हैं, यानी मछली का सालन। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर ये रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और इसके साथ ही ये जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने दो अदर दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, दो अदर टमाटर लेकर इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा एक चाय का चम्मच और मेथी दाना एक चाय का चम्मच, हरा धनिया कटा हुआ आधा कप, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदर, आधा किलो मछली ले ली है, कोई सी भी मछली ले सकते हैं, मैंने फिंगर फिश कटवा ली है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है, प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को डाल के मैंने इसको हल्की आँच पर ढक्कन बंद करके रख दिया है। इस तरह प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट रहती है और ब्राउन भी हो जाती है। प्याज को हमें कम्प्लीटली ब्राउन करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। 10 मिनट इसको हल्की आंच पर दम पे रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज जब हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम मेथी दाना और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। ये डालने के बाद हमें प्याज को कम्प्लीटली ब्राउन फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1-2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर पाउडर मसाले डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के इसको दरमियानी आँच पर हम फ्राई करेंगे, यहाँ तक ये सारा मसाला यकजान हो जाए और एक थिक ग्रेवी सी बन जाए। प्याज इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, अच्छी तरह से ग्रेवी को हमने भून लिया है। अब हम इसमें फ़िश डाल देंगे, कोई भी फ़िश आप डाल सकते हैं, जो भी फ़िश आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सालन बन सकता है आराम से। फिश डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इसके बाद इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप बाद में इसमें पानी ऐड कर दें। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर मैंने ऊपर से डाल दिया है, हरी मिर्चें तोड़ के डाल दी हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ वो भी ऊपर से डाल दिया है। थोड़ा हरा धनिया मैंने बचा लिया है आखिर में गार्निशिंग करने के लिए। तो बाकी इसमें डालकर इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर छोड़ेंगे ताकि फ़िश अच्छी तरह से पक जाए। 20 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ज़बरदस्त अरोमा है, और फ़िश भी अच्छी तरह से पक गई है। ग्रेवी हमारी बहुत थोड़ी सी, पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है इसमें, मुझे इतना ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, शोरबा ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। अब जो धनिया बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है, और इसको मैंने ढक्कन बंद करके चूल्हा ऑफ कर दिया है। जो फ़िश का सालन है ये हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत आसानी से फ़िश करी या मछली का सालन आप घर में तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत टेस्टी बनता है। तो घर पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।